चिड़ावा शहर में फैमिली कैफे, ओपन केबिन, फ्री होम डिलीवरी, फ्री वाईफाई के साथ रॉयल कैफे, बर्थडे पार्टी हॉल के साथ आपकी सेवा में किफायती दरों के साथ। तो देरी किस बात की, घुमाइए फोन और करिए अपना स्वादिष्ट फास्ट फूड ऑर्डर। श्रीनगर टाइम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचायत समिति चिड़ावा के अंदर साधारण सभा की बैठक हुई आज, और मैं आपको बता देता हूँ पिलानी विधानसभा के अंदर, पिलानी पंचायत समिति के अंदर भी जो बवाल चल रहा है वो आप लोग देख ही रहे लगातार, उस पर भी हमारी नज़र लगातार बने हुए हैं और हर अपडेट हम आपको देते ही हैं। वो एक वीडियो के खिलाफ धरने पर बैठे हैं वहाँ पर लोग। चिड़ावा पंचायत समिति के अंदर भी मामला शुरू हो चुका है। चिड़ावा पंचायत समिति के अंदर भी दो गुट बन चुके हैं। उप प्रधान के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया गया है। उप प्रधान ने क्या कहा और उनके साथ के सदस्यों ने, उस गुट ने क्या कहा, तो वो पूरी जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिली जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे खास बात ये है कि चिड़ावा शहर के अंदर इस साधारण सभा बैठक के अंदर एक मामला ये भी उठाया कि चिड़ावा सरकारी हॉस्पिटल में CHC के अंदर एक भी फिजिशियन डॉक्टर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी खबर भी यही है। इसके अलावा और क्या है इस वीडियो के अंदर वो आप अंत तक बने रहेंगे तब मालूम चलेगा आपको कि पंचायत समिति में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ, विश्वास का एक ही नाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये पंचायत समिति चिड़ावा के अंदर क्या मामला चल रहा है, आप लोग क्यों जो मौजूदा प्रधान है उसे नाखुश नजर आ रहे हैं? इस मामले के बारे में आपको बताऊंगा कि पंचायत समिति की जो पिछली 4-5 मीटिंगें हैं उनमें पंचायत समिति सदस्यों द्वारा जो जानकारियां मांगी जा रही हैं उस चीज़ के लिए पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा और इनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा। दूसरी चीज़, एक प्रोटोकॉल के तहत ये चीज़ होती है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को उसकी जगह पर मान सम्मान मिलना चाहिए। लगातार तीसरी ये मीटिंग है कि पंचायत समिति में प्रत्येक व्यक्ति की नेम प्लेट और लग जाती है। एक पंचायत समिति का उप प्रधान है जिसको कि जनता ने बिल्कुल स्कैन करके एक पैमाने के तौर पे यहाँ भेजा है, उसका प्रोटोकॉल के तहत आगे एक कुर्सी होती है। लगातार तीसरी बार ये है कि ये लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, पूछने पे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाते। या तो जनता ने जो पैमाना जो तय करके भेज दिया उससे अलग इन्होंने कोई पैरामीटर लगा रखा है, और वो पैरामीटर जब लगा रखा है तो कुछ चंद व्यक्तियों पे क्यों, खुद के ऊपर भी तो वो लगा के देखें। दूसरी बात इनकी है कि पंचायत समिति सदस्य अगर कोई भी व्यक्ति कोई RTI का जवाब मांगता है, उमेश जी ने पिछले 4-5 RTI लगाई कि आय व्यय का ब्यौरा और पंचायत समिति की गाड़ी का विवरण, कहाँ जाती है, कितनी दूर जाती है, लगातार 2 महीने से पूछ रहे हैं, RTI लगा रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। हालांकि 7 या 15 दिन के भीतर उनको जवाब देना होता है। पंचायत समिति सदस्य इनको अभी तक लगभग 2 साल का समय होने को आ गया। प्रत्येक मीटिंग में ये बात उठती है कि आइडेंटिटी कार्ड इनको दिए जाएं, इनके जो मीटिंग का भत्ता है वो दिया जाए, लेकिन उस चीज़ों पे तो इनका ध्यान ही नहीं है। उप प्रधान आप है और आपके साथ ये व्यवहार हो रहा है, मतलब आपको बैठने के लिए चेयर तक नहीं दी जाती है मीटिंग के अंदर, तो ये जो मामला है कब से चल रहा है? आप तो हमेशा ही प्रधान के पक्ष के रहे हैं। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती इसमें, जो चीज़ सही है मैं उसके पक्ष में हूँ, जो गलत है उसके खिलाफ है। इन ये जो सारे लोग हैं, ये कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ ही तो एकजुट हुए होंगे। और अभी तक जैसा कि मुझे पता लगा है कि कोरम में भी अभी तक कुछ 7 सदस्यों की लिमिट होती है वो पूरे नहीं हुए, लेकिन वो मीटिंग किस चीज के बेस पे चला रहे हैं इस चीज का भी अभी तक आप लोग उनसे पूछिए, आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष रूप से। जैसे हाल ही में मंडला के ग्राम विकास अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है, उनको शायद निलंबित किया गया है, उनको सस्पेंड किया गया है, उस मामले पर क्या कहना है? उसके बाद में जो चिड़ावा BDO है रण सिंह, उनके ऊपर भी आदेश आए हैं कि आप सांख्यिकी अधिकारी को नहीं रख सकते, उनको भी हटाया जाए यहाँ से। जो मंडेला BDO का मामला वो ये है कि वो वहाँ चिड़ावा पंचायत समिति से गया हुआ था, उस BDO को चिड़ावा पंचायत समिति ने वापस बुला लिया, लेकिन रहा मामला ये रहा कि पिलानी पंचायत समिति ने उसको रिलीव नहीं किया। जब तक पिलानी पंचायत समिति रिलीव नहीं करती वो चिड़ावा पंचायत समिति में कार्य ज्वाइन नहीं कर सकता। उन्होंने रिलीव किया नहीं, इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, जो कि एक कर्मचारी के लिए बिल्कुल गलत है इस प्रकार की। 2 साल से ट्रांसफर, जबकि जो वर्तमान BDO है वो खुद सांख्यिकी अधिकारी हैं। 2020 में कोई एक सर्कुलर जारी हुआ, उसमें ये हुआ कि सांख्यिकी अधिकारी को आप BDO का चार्ज नहीं दे सकते। मेरे हिसाब से उस चीज पे या किसी ने शिकायत की होगी, किसी ने जो भी चीज है वो उस चीज के अंतर्गत आया है। तो अभी जैसे अमानवीय व्यवहार की बात कर रहे हैं आपके साथ, आपको चेयर नहीं दी गई, यही मामला सेम पिलानी में भी चल रहा है, खैर थोड़ा अलग है, वहाँ पर भी उल्टा पुल्टा है, लेकिन अब आप जो आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर या फिर वहाँ के अधिकारियों के ऊपर, अब इसके बाद आप क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या रुख अपनाएंगे इसके बाद? जी देखो, चलो इसमें मेरे को कुर्सी नहीं दी उस चीज का कोई मैं इश्यू नहीं मानता, लेकिन एक ये पद के लिए जिम्मेदारी की चीज है, ये एक पद का डेकोरम होता है।
प्रधान तो 5 साल आते हैं, 5 साल चले जाते हैं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता जिस व्यक्ति को चुन के भेजती है ना, तो जनता यही चाहती है कि उसका मान सम्मान हो, उनकी चीज को सुना जाए। अगर किसी व्यक्ति को आप पंचायत समिति में, ये तो आप प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं कि सबकी सुनी जा रही है, सबकी बातें हो रही है, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार आप किसी को पंचायत समिति में बुलाना ही नहीं चाहते, फिर उन लोगों के काम करने की तो अपेक्षा आप क्या कर सकते। क्या ये मामला है और आप लोग क्यों प्रधान के विपक्ष में आप लोगों ने मोर्चा खोल लिया एक तरह से? एक तो सर ये जो पंचायत समिति का जो व्हीकल है, गाड़ी जो वीडियो को मिलती है, उसका मिस यूज हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। गाड़ी या प्रधान की गाड़ी? वीडियो की गाड़ी, गाड़ी की सरकारी होती है, पंचायत समिति की गाड़ी है, उसका मिस यूज किया जा रहा है। चिड़ावा सिर्फ गाड़ी तेल लेने के लिए आती है, लोग उग में झूठा भरते हैं वो कि वहाँ गई, चनाना गई, बुकाना गई, कुछ नहीं। गाड़ी महीने में 15 दिन से ज्यादा जयपुर रहती है और प्रधान के घर पे रहती है, उनके पति ड्राइवर है। तो आप लोगों को शिकायत किससे? वीडियो से शिकायत है, प्रधान से शिकायत? भाई ये अपराध उसकी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है ना, गाड़ी का भ्रष्टाचार, सरकार की गाड़ी का तो भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, उसमें गाड़ी का मिस यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। किसी मतलब जो जनप्रतिनिधि और हैं, कहीं महीने में एक दिन वो भी गाड़ी मांग सकते हैं, कोई कर्मचारी भी जा सकता है, लेकिन वो तो आज तक कभी किसी ने बैठ के नहीं देखा उसके अंदर। तो एक तो ये है मैन, दूसरा जो जनप्रतिनिधि है वो लाभ के पद पे अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं रख सकता, तो प्रधान ने अपने पति को वहां ड्राइवर रख रखा है, ये भी नियम के विरुद्ध है। ये हमारी मेन मांगे हैं, वहाँ दो मांगे हैं। हाँ जी, इसके बाद में उप प्रधान के साथ एक उन्होंने सर मंडरेला जो ग्राम सेवक विकास अधिकारी है उसको इन्होंने गलत तरीके से मतलब सस्पेंड किया है नियम के विरुद्ध जाके, क्योंकि कर्मचारी जब तक वहाँ पिलानी पंचायत समिति के अधीन काम रहा तो कर रहा है, तो पिलानी बीडीओ के अंडर में आता हो, जब तक पिलानी बीडीओ उसको रिलीव नहीं करेगी तो यहाँ ज्वाइन कैसे कहाँ करेगा? बिल्कुल, रिलीव होने के बाद भी कर्मचारी मेडिकल ले सकता है, 2-5 दिन की छुट्टी ले सकता है, इन्होंने तो तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया। रण सिंह जी खुद 2 साल से इनका तबादला हो रखा है हनुमानगढ़, ये आज तक यहाँ से रिलीव नहीं हुए। ये आईएन है वहाँ महेंद्र जी, वो उनका तबादला नागौर हो रहा है, उनको आज तक रिलीव नहीं किया गया 3-4 महीने से, तो 10 दिन में इस विकास अधिकारी को सस्पेंड करने वाली मतलब कहां दिख रहा है इनको। तो अभी जैसे आपने पिछली मीटिंग में भी शायद आपने ये मुद्दा उठाया था प्रधान की गाड़ी का ड्राइवर का, तो उस वक्त भी शायद काफी आप पर बवाल उठे थे आप दोनों ही पक्ष पर। तो अब क्या आपको लग रहा है कि क्या होगा अब आगे? देखो हम पंचायत समिति मेंबर हैं जी, पंचायत समिति में जो भी हो रहा है उनका पूछने का करवाने का वो हमारे को बेक है। चलो वो प्रधान बन गए लेकिन वो भी मेंबर है, हम भी मेंबर हैं, और मैं सबसे सीनियर मेंबर हूँ। 1995 से 3 बार सरपंच रहा हूँ, एक बार जिला परिषद मेंबर रहा हूँ, पंचायत समिति मेंबर हूँ, और तो कोई एक बार आया कोई 2 बार आया होगा, लेकिन मैं सबसे सीनियर हूँ। पंचायत राज एक्ट के बारे में पूरा पता है मेरे को, भाई क्या काम कैसे होना चाहिए। मैंने सबसे पहले होता कि सबसे पहले पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग में आय का विवरण दिया जाता है, भाई कितना बजट आया, कितना बजट कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ खर्च किया, कौन सी पंचायत में दिया, लेकिन वो कि इनको पता न लग जाए तो वो बात हमने मुद्दा रखा कि ये आय व्यय का विवरण दिया जाए, वो आज तक नहीं दिया। मैंने मुद्दा उठाया कि जो पंचायत समिति में जितना भी बजट आता है वो पंचायत समिति से न हटकर पंचायतों को दिया जाए, क्योंकि पंचायत भी सरकारी एजेंसी है, पंचायत समिति में काम कौन करवाएगा भाई? ये फिर ठेकेदार कराया, ठेकेदार नहीं करवा रहा, मैं स्टॉल पर हो रहा काम, तो ठेकेदार तो मटेरियल सप्लाई करने का ठेकेदार होता है, तो मस्टोल तो आप यहाँ रखते हो, निर्माण कार्य किठाना में हो रहा है, मस्टोल कौन मरेगा वहाँ? आईएन जाएगा आईएन के पास, यानी 15-15 पंचायत है, और पिलानी का भी चार्ज दे रखा है, एक को बुआना का भी दे रखा, निर्माण कार्य पर अकाउंटेंट और वहाँ मौजूद थोड़ी रहेंगे। तो हमने कहा ये सरकारी एजेंसी है पंचायत, ये जो बजट है आप भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं रहे हो, तो ये बजट है, ये जिस भी पंचायत को हम ये नहीं करेंगे मेरे को दो, कोई पंचायत में दो, लेकिन एजेंसी पंचायत पंचायतों को बना दो, तो वो भी क्योंकि इनको कमीशन आ रहा 25%, इसलिए अपना सुनो पंचायत समिति के अंदर जो पंचायत समिति एजेंसी से जो कार्य हो रहे हैं 4-4 साल के पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी, और पैसे उठा लिए हैं, जैसे मैं एक ही थाना में अभी मैंने हर पंच मीटिंग में शायद पत्रकार महोदय पूर्ण नहीं हुआ, तो पेमेंट उठा लिया उसका, पेमेंट उठा लिया। यहाँ जैसे बैंक बिल्डिंग बन रही है, पहले 2018-19 में बैंक बिल्डिंग स्वीकृत कर दी, वो पैसे 4-5 लाख रुपए ठेकेदार को दे दिए, उन्होंने अपना अपना निजी कार्य में लिए, उसने नहीं हुआ तो इस प्रधान ने लिपापोती करके उनसे दूसरे कार्यों में समायोजित कर दिए, हालांकि उसका 18% ब्याज से वसूल करना चाहिए था, नहीं किया। पंचायत समिति जो हॉल में मीटिंग हो रही है पीछे कमरे, यानी 2018-19 से सभी करते हैं, आज तक आप होते दिन में तैयार नहीं हुए हैं पंचायत समिति एजेंसी से, तो इसलिए फिर
जो मेंबर्स हैं ये चुन के हम भी आए हैं, तू आपके पति के लिए तो 15,000 की कुर्सी जो ड्राइवर की है क्षेत्रीय पंचायत समिति में आ रहा है, और हमारे लिए वो बाहर पीपल है या बड़ है उसके गट्टे पर बैठना पड़ रहा है, हमारे लिए कोई कुर्सी नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई नहीं है। उपप्रधान को भी कुर्सी नहीं दी जा रही है, उपप्रधान को तो हमने वो जो महाराष्ट्र में अब अगाड़ी सरकार है उसमें एकनाथ शिंदे को घोषित कर दिया है हमने उपप्रधान को, हाँ एकनाथ शिंदे कर दिया है, और समय आएगा अभी और 3-4 महीने बाकी है, विश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर चुके हैं, आएगा क्योंकि इसको बदला तो देना ही है। 2007 में हमने अविश्वास में इनकी मदद की थी, तो ये इन्होंने भी तो सुनीता स्वामी के खिलाफ लाया था, तो हमें इसके खिलाफ नहीं लिया, इनके खिलाफ लाओ, उस टाइम मेरा वोट नहीं था, तो मेरा ही वोट है। दोस्तों कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो भी सदस्य हैं, आप भी महिला है और आपकी प्रधान भी महिला है, तो ये सब मामला चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, क्या वाकई में आपके विकास कार्य नहीं हो रहे, क्या आपके उप प्रधान जो उनको कुर्सी नहीं दी जा रही है? नहीं दी जा रही है, मेरे अंकल जी कह रहे हैं, रोहतास जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा 1.5 साल से, और उप प्रधान को कुर्सी भी नहीं दे मिल रही है, बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है हमारा। 1.5 साल में हम बोलते हैं, इतने काम बोले हैं, न तो आइडेंटिटी कार्ड, न कोई भत्ता, कुछ भी नहीं है, नई जनता का कोई काम बोल के जाऊं तो वो भी नहीं हो रहा जी। आप काम भी आप ही करवा रहे हैं या पंचायतों को नहीं दे रहे हैं किसी भी काम? बस अंदर जो माइंड अंदर बोलना वो बाहर निकल के सब कुछ भूल जाएं। अंदर जो मीटिंग में जो हुआ वो बोल दे, बोल दे आप बाहर जाके, फिर वो काम की तो सुनवाई हो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो, मार कोई सुनवाई नहीं है, काम नहीं। प्रधान से शिकायत है, वीडियो से शिकायत है आपको? आंटी जी आगे ना होते भी बोलो, एक मिनट देखो, पंचायत समिति एजेंसी है, पंचायतों के थ्रू कोई काम नहीं हो रहा, खुद पंचायत समिति एजेंसी से ही जो पंचायतों के काम है वो हो रहे जी। माता जी तो भाई आई है, पर क्यों देखियो आज को ने बुझ ली क्यों, और ओटा काट दी मैं तो निकल के आ जाऊँ, और ये खड़ा रहे क्या आगा ओटा ही वही वही वाला ना कहा कि पीपल तला बैठे बस, यो देखियो हम तो आया से तीवर, और मैं तो काम कुछ भी को आया, क्या कोई भी काम को नहीं, काम को क्या को दी रही को ना, आज हमारे सल जाओ उठा या ले इतने मीटिंग में कुछ बोलो थे बाप, मीटिंग में बुझ ना बे बा, बता दिया मैंने बोल की पा उठ के रोटा सल जाओ, समाधान को नहीं हो रहा है, क्या कोई समाधान को नहीं है, क्या को भी एक काम को भी समाधान को नहीं हो रहा, एक काम को भी ना नर पे देख क्या को हो रहा हमारो, और आ रहा जिम में क्या हम कोई को नहीं। तो दोस्तों ये है पूरा मामला, नहीं ये साधारण सभा की मीटिंग थी, इसमें कुछ सदस्यों ने पंचायत समिति पर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप उप प्रधान के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है संबंध में आज उनको। नहीं हमें इस चीज का कोई पता नहीं है, हमारी मीटिंग तो शांतिपूर्वक हुई है, सभी अधिकारी और सभी पंचायत समिति मेंबर सरपंच जितने भी थे जिला परिषद मेंबर शांतिपूर्वक मीटिंग हुई है, आपने खुद ने भी देखा है मीटिंग में कोई तरह की कोई ऐसी है नहीं, न ऐसा कोई बात है, न कोई लेना देना है, अब किसने क्या किया उसका मुझे कोई जानकारी नहीं। कि 7 सदस्य जरूरी होते हैं लेकिन आज 6 नहीं, 7 सदस्य हमारे रजिस्टर में साइन है ये आप देख सकते हैं, उसके अलावा जो सरकारी गाड़ी दी हुई है आपको उसका भी दुरुपयोग किया? नहीं कहीं दुरुपयोग नहीं किया जा रहा, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, कोई दुरुपयोग नहीं, सरकारी गाड़ी नियमानुसार काम में ली जा रही है। आरटीआई के द्वारा कुछ उनको जानकारी चाहिए तो वो भी नहीं दी जा रही? नहीं सारी दी जा रही है, उनको तो करने का कोई है, अगलों को क्या मर्जी है वो हमें नहीं पता, सबको मतलब पंचायत समिति में न किसी को शिकायत है, न किसी सरपंच को शिकायत है, न कोई और अन्य को शिकायत है, न कोई जनता को शिकायत है, समस्त जनता संतुष्ट है, समस्त सरपंच संतुष्ट है, मेरे 24 सरपंच हैं, जो सरपंचों से किसी को नहीं है, न किसी अन्य जिला परिषद और अन्य को है, किसी 2-5 को कोई हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके? ये मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में आज दिन तक नहीं है ऐसा।